तो दोस्तों रांची टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जबरदस्त शिकस्त दे दी है और इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जिस वक्त खेली जा रही है भारत और इंग्लैंड के बीच और रांची में 4था टेस्ट मैच खेला जा रहा है, बड़ा ही रोमांचक है अब मुकाबला देखने को मिला। एक वक्त लगा कि शायद भारतीय टीम दोस्तों फंस चुकी है और अब हार जाएगी। कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली, एसएफसी जसवाल ने 37 रन और भारत इस तरीके से अगर आप देखें तो रजत पाटीदार ने फिर से कोई रन नहीं बनाया, 0 रन पर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने 4 रन, सरफराज खान भी खाता ना खोल सके, उनका टेस्ट कैरियर का पहला ये डक था। लेकिन ध्रुव जुरेल जिसने पहली पारी में 90 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में भी लाजवाब बैटिंग की है और 30 से अधिक रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल ने भी 40 रनों की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और 5 विकेट से भारत ने इस चौथे टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया और टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। ये भारतीय युवा टीम है पूरी तरीके से, इसमें अगर रोहित शर्मा को आप छोड़ दें और रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन इन 3 प्लेयर्स को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा इस स्क्वाड में ऐसा कोई भी प्लेयर है नहीं जिसका बहुत ज़्यादा अनुभव हो खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन इसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा का बेहतरीन कैप्टेंसी जिसकी चर्चा लगातार हर कोई कर रहा है कि वाकई में इस युवा टीम के साथ को लेकर के जो सीरीज जीती है इंग्लैंड के सामने अद्भुत थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 353 रन बनाए पहली पारी में, भारत ने पहली इनिंग्स में 307 रन बनाए, एक मामूली सी लीड इंग्लैंड को मिली। लेकिन चौथी पारी चूँकि भारत को खेलनी थी तो आसान नहीं था बिल्कुल भी, और तारीफ करनी होगी दूसरी पारी में कुलदीप यादव जिन्होंने इंग्लैंड को 145 रन पर समेटने में अहम योगदान दिया है और 192 रनों का जो लक्ष्य मिला भारत को उसे 5 विकेट खो करके आराम से भारत ने इस मैच को जीत लिया। हालांकि भारतीय टीम एक वक्त फंस चुकी थी, 120 पर 5 थे और कहां भारत 84 पर एक भी नहीं था जब शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इस टेस्ट मैच को जीतते भारत ने 3-1 से बढ़त बना ली है और सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। देखते रहता स्पोर्ट्स थमा।